मैक्रू इन एमएस एक्सेल, क्या लिखा है? लिखा है भाई सामने, मैक्रू का उपयोग करके हम टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह बहुत उपयोगी है जब आपके पास कोई टास्क होता है जिसे आपको बार बार करने की आवश्यकता होती है, तो उस बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को हम एक्सेल में मैक्रो के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो को खोलने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करते हैं। पहला, व्यू टैब को ओपन करें, रिबन के दाएं और आपको मैक्रो बटन मिलेगा। सेकंड, मैक्रो बटन के नीचे दिखाए गए एरो पर क्लिक करें, यह तीन विकल्प प्रदर्शित करेगा, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस, राइट। तो व्यू मैक्रो का मतलब क्या है? इस ऑप्शन का पर क्लिक करने से मैक्रो डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आप मैक्रो चला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या हम यू कहें इस पर क्लिक करते ही यूजर के द्वारा जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी लिस्ट प्रदर्शित होती है। उसमें से हम इच्छित मैक्रो या किस मैक्रो को रिकॉर्ड चलाना है उसे सेलेक्ट करके और उसमें दिए गए बटन रन पर क्लिक करते हैं तो वह मैक्रो रन हो जाता है। यहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, राइट। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए इस विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करने पर यह रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है जहां अपने आप अपने मैक्रो का विवरण भर सकते हैं। तो इधर यू कह सकते हैं कि जब भी हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो पर क्लिक करते ही, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड मैक्रो नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। उसमें सबसे पहले हम मैक्रो नेम के नीचे बने टेक्स्ट बॉक्स में मैक्रो का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं और नीचे भी दिया था शॉर्टकट। नाम देने के बाद ओके पर जैसे इंटर करते हैं तो हमारे माउस पॉइंटर के साथ क्या कैसेट जो रहती है वो यहां नहीं दिख रही, तो यहां मैक्रो में स्टॉप बटन बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका मतलब रिकॉर्डिंग हमारी चालू हो गई। अब हम जो भी कार्य करेंगे, इंटर दबाया, उसने भी इंटर रिकॉर्ड कर लिया, उसने राम लिखा, राम भी लिख लिया, फिर इंटर दबाया, उसने अशोक लिखा तो अशोक को भी लिख दिया। ऐसे हम चीजों को, मतलब जिस टास्क को हम बार बार करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं रॉयल लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? रॉयल कंप्यूटर कुसुम बिहार कॉलोनी देवरी, तो इतना टास्क हमारे लिए बार बार लिखना पड़ता था, उस टास्क को हमने रिकॉर्ड कर लिया। और अब हम वापिस उसी मैक्रोस पर क्लिक करते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा करके हम उस रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर देते हैं, क्लियर। अब जो पहला ऑप्शन हमने व्यू मैक्रोस देखा था उसका उपयोग करने के लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, जहां पर जिस एड्रेस पर लिखा होता है वही एड्रेस पर मैक्रोस रन होता है, ऐसा नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा नहीं कि जहां पर कर्सर होगा वहीं पर रन हो जाएगा। अब जैसे रन करोगे देखिए वही आया बीच में एच पे, क्योंकि एच पे लिखा गया था। अब यूज रिलेटिव रेफरेंस, यह विकल्प रिलेटिव मोड में मैक्रो रिकॉर्ड करने में मदद करता है। रिलेटिव मोड का उपयोग करके आप वर्कशीट पर कहीं पर भी रिकॉर्ड किया गया डेटा चला सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए स्टेप निम्न होते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते हैं, यह मैक्रो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, मैक्रो का नाम फिर से लिख दिया, मैक्रो का नाम भरे और इंटर की दबा या शॉर्टकट भी बना सकते, लिखा है इन्हें। आप मैक्रो को चलाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी, मतलब यहाँ पर एक कुंजी भी आती है, इसमें है कि नहीं है जे, ठीक है, तो शॉर्टकट कुंजी को आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैक्रो का विवरण भी भरे, फिर ओके पर क्लिक करें। अब उस कार्य को करें जो आप करना चाहते हैं, बार बार करते हैं उसे रिकॉर्ड कर लें। इसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें और जब भी आप इस कार्य को चाहते हैं तो
कहां पर जाएंगे, विभाग ग्रुप पे जाके आप वापस रिटर्न कर देंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं मैक्रोस जो होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण फीचर्स होता है, क्योंकि हम कोई कार्य को बार बार करते हैं, जैसे हमारा मान लो एड्रेस ही हो गया, हमें हर जगह हर कार्य को, या कई बार कोई कलेक्टर होता है, कोई आईएएस होता है, आईपीएस होता है, या तहसीलदार होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना नाम बार बार लिखना पड़ता है, पद लिखना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो हमें बार बार ना लिखने की बजाय हम उस कार्य को रिकॉर्ड कर लेते, क्या कर लेते हैं, उस कार्य को रिकॉर्ड। कई बार ऐसे फॉर्मेट होते हैं कि जी फॉर्मेट फिर चाहिए, तो हमें फॉर्मेट उस बटन दबाएंगे वो खाली फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा, तो उस कार्य को यदि बार बार करना चाहते हैं तो उसे बार बार ना करके हम उस कार्य का मैक्रोस तैयार कर लेते हैं। मैक्रोस तैयार करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम व्यू टैब पे जाते हैं, व्यू टैब पे क्लिक करते ही हमारे सामने व्यू टैब के विभिन्न ऑप्शन विकल्प प्रदर्शित हो जाते हैं, उसमें से हम मैक्रोस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला होता है व्यू मैक्रो, इसका मतलब होता है कि पहले से जो तैयार मैक्रोस हैं उनको हम यहाँ से रन कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम दूसरे ऑप्शन मैक्रोस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते ही हमारे सामने स्क्रीन पर रिकॉर्ड मैक्रो नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। उसमें सबसे पहले मैक्रो नेम के नीचे हम मैक्रो का नाम लेते हैं, क्या लेते हैं, किस नाम से उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। इसके पश्चात नीचे शॉर्टकट की के लिए एक विकल्प दिया रहता है, कंट्रोल के साथ क्या की दबाना है उस की को हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, यदि हमें लिखा है स्टोर मैक्रोस कहां पर स्टोर करना है, मतलब यहां से अलग अलग हिस्से में भी बता सकते हो, ठीक है, तो न्यू वर्कबुक या पर्सनल मैक्रोस, तो जिस तरीके का हम चाहते हैं उस तरीके का हम मैक्रोस का टाइप सेलेक्ट करके और डिस्क्रिप्शन में यदि है तो लिख देंगे, नहीं तो बने बटन ओके पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही वह मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब उस कार्य को टाइप करते हैं जो बार बार करना चाहते हैं। उस कार्य को लिखने के बाद हम फिर से व्यू टैब पर जाते हैं, व्यू टैब से मैक्रोस पर जाते हैं, मैक्रोस से हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पर जैसे क्लिक करते हैं तो वह मैक्रो रिकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस तरीके से हम किसी कार्य की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसे रन करने के लिए हमने वापस पुनः देखा था, इस तरीके से हम मैक्रोस को